नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। महाराष्ट्र के चुनाव का सीन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जब चुनावी शोर अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है तो पूरी फाइट वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर आकर केंद्रित हो गई है। एक तरफ एनडीए हो या फिर AIMIM, दोनों एकजुट मुस्लिम वोट की आस में अटैकिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू वोटों के बिखराव को रोककर सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है और इस कोशिश को नाम दिया है धर्म युद्ध का। ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव काफी लाउड हो चला है, इतना लाउड कि बात अब ए ओवैसी और ओ फडणवीस तक पहुंच चुकी है। खड़गे ने सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लिया, योगी के गेरुआ वस्त्र पहनने पर नसीहत दे दी, बीजेपी को ही बांटने वाला और काटने वाला बता दिया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने आज ये कह दिया कि अगर एक रहेंगे तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमें काट सके। ऐसे बयानों ने महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पूरे चुनाव में वोट जिहाद और धर्मयुद्ध का एंगल ही टॉप एंगल दिख रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के एकमुश्त वोटिंग का खामियाजा भुगत चुकी है, इसलिए बटेंगे कटेंगे के नारे के सहारे मैदान में है। फडणवीस इसे धर्मयुद्ध बता रहे हैं, हिंदुओं को अपनी बात समझा रहे हैं। दूसरी तरफ इसी एकमुश्त वोटिंग ने जिस तरह महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाया, उस पर ओवैसी की पैनी नजर है। अपनी हार्डलाइन पॉलिटिक्स के जरिए ओवैसी वही फायदा AIMIM को दिलाने की कोशिश में है। यही वजह है कि अब रैलियों और सभाओं में खुल्लम खुल्ला नाम लेकर एक दूसरे को ललकारा जा रहा है। अब सवाल है कि कौन अपनी बात वोटर्स तक पहुंचा पा रहा है। सवाल यह भी कि वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध की महाराष्ट्र पॉलिटिक्स किसका गेम सेट कर रही है और किसका बिगाड़ रही है, आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं बड़े बयान। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफ़ेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? ये कटोंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो RSS और बीजेपी से ही खतरा है। ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या AIMIM ची सभा झाली, आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती, ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले,
इन्हों क्या बोले ए ओवैसी, वो क्या बोले ये ओट जिहाद धर्म युद्ध, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानों की गर्मी या बयानों का तापमान बढ़ता जा रहा है, ये बयान और तीखे और चुभने वाले होते जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, अजय आलोक जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, एडवोकेट सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना, दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM और तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साजिद सुपारीवाला नेता शिवसेना उद्धव गुट इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं, महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है और महाराष्ट्र की चर्चा करते करते अब ये बताइए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों का कलर या उनके कपड़ों का स्टाइल क्यों बुरा लगने लगा आप लोगों को? नमस्कार काजी जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूं। मैंने आपके शो पे जितनी भी भविष्यवाणी की सारे प्रीवियस रिकॉर्ड चला दीजिए, जैसे जैसे हम चुनाव के पास आएंगे इसी तरह की बातचीत होगी। ये जो मैच फिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे AIMIM वाले भाई साहब है और मेरे मित्र अजय आलोक जी है बीजेपी से, ये मैच फिक्सिंग होगी। हिंदू मुसलमान ये बात करेंगे ताज की, क्योंकि हमको बात करना है आज की, बात करेंगे हिंदू मुसलमान की ना बात करेंगे इंसान की। इनके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं, तो इनका छोटा भाई ओवैसी आ गया है पोलराइज करने के लिए। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति का एक सीट है लोकसभा में, एक सीट, फडणवीस जी बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के, मैं मानता हूं कि टॉप तीन या चार नेताओं में से फडणवीस सर एक है, वो इस चुटकले नेता ओवैसी का नाम ले रहे। अब आप सोचिए ये मैच फिक्सिंग नहीं तो क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं बता रहा हूं ये कहानी हर इलेक्शन की है इन दोनों की, मैच फिक्सिंग की। यहाँ पर फडणवीस जी करेंगे कि धर्म खतरे में, वहां पे वो करेंगे कौम खतरे में, और कोई इस चीज का जवाब नहीं देता तहसीन पूनावाला जी। लेकिन फिर वही बात है ना, मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़े, कपड़ों का रंग, उनका अंदाज, उनका स्टाइल आंखों में क्यों चुभने लगा या उससे क्या परहेज हो गया? उससे उनसे वो क्या पहनते उससे नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इस बात से जिस तरह के वो भाषण करते हैं। और जो खड़गे जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी की बात माने कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या कटेंगे तो बटेंगे, योगी जी की बात माने। और मैं आपके जी पूरी लाइन पढ़ देती हूँ, गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सिर पर बाल भी नहीं रखते, ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए हैं। कपड़ों की बात हो रही है, उनके स्टाइल की बात हो रही है, तो बस इतना बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी की स्टाइल आप लोग चेंज करने वाले हैं या उनको कोई कपड़े आप लोग गिफ्ट करने वाले हैं? कोई किसी की स्टाइल चेंज करने वाला नहीं, एक ही चीज, कोई नहीं बटेगा महाराष्ट्र में, बीजेपी का वोट कटेगा, ये बात आप याद रखो, कोई नहीं बटेगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप ये चीज पूछिए भाजपा और ओवैसी से, ओवैसी से पूछिए कैसे संभाजीनगर का नाम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं। अजय आलोक जी से पूछते हैं, अजय आलोक जी नहीं कह रहे हैं तहसीन पूनावाला जी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक तो ये आपका डर दिखाता है कि आप अपने हिंदू वोट को अपने खाते में रखना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, और बचा कुचा काम AIMIM आपके लिए पूरा कर रही है, जो एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलना चाहिए था MVA को या मिल जाता उसमें बंटवारा कर रहे हैं आप दोनों मिलकर। देखिए ऐसा है कि खड़गे जी की भाषा देखिए, वो कहते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनो मत, क्यों पहनते हो तो राजनीति में मत आओ, पवित्रता होती है, मतलब ये राजनीति को अपवित्र मानते हैं क्या? राजनीति अगर अपवित्र है तो खड़गे जी खुद राजनीति में क्यों हैं? ये वही खड़गे जी हैं प्राची जी, जिन्होंने पिछले साल चुनाव में भरे मंच से कहा था कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, ये वही खड़गे जी हैं जिनके पुत्र सनातन धर्म को कोरोना वायरस की संज्ञा दे चुके थे, ये वही खड़गे जी हैं जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जब हम कहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे, अब बटोगे तो कटोगे, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत कहां है? ओवैसी से हमें क्या खतरा है भाई? ओवैसी अपना चुनाव लड़े, लेकिन ओवैसी अगर संभाजीनगर में आगे कहेंगे कि संभाजीनगर का नाम बदल देंगे, तो ये ओवैसी की औकात नहीं है नाम बदलने की। ये ठीक कहा तहसीन ने, ये वो कैसे बदलेंगे, लेकिन ओवैसी से खतरा तो इन लोग को है, क्योंकि भाई जान के वोट के लिए सारी मारपीट है। यही तो कह रहे हैं वो तहसीन पूनावाला जी, ये खतरा फायदा आपको पहुंचाएगा, वो यही तो कह रहे हैं। ऐसा है कि ये उनकी समस्या है ना, हमारी समस्या ये है कि हर जगह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इसमें अगर हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो गलत क्या है? जरा बता दे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इसमें गलत क्या है? बटोगे तो कटोगे गलत क्या है?
भाई 1947 में देश का बंटवारा हुआ, कटे कि नहीं कटे, ट्रेन भर भर के लाशें आई कि नहीं हिंदुओं की, भूल गए क्या वो दृश्य? तो अभी बांग्लादेश में जो बना, कितने हिंदू मारे गए बांग्लादेश में? मतलब कौन मार रहा? मतलब आप समझाई दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। आप स्पेसिफाई एक बार कर दीजिए कि कौन बांट रहा है समाज को, या किससे खतरा है अभी समाज को, जो आप एक रहने की बात कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनावों से पहले तक नहीं था खतरा, अभी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव के पहले खतरा नहीं था, बिल्कुल खतरा था, ये खतरा हमेशा है। आपको चेतना जागृत करनी पड़ेगी। एक बात जान जाइए, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, सबका स्वागत है, लेकिन सब आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू बहुलता है। अगर हिंदू बहुलता नहीं होती, मुस्लिम बहुलता होती, तो बाकी धर्म खत्म हो जाते। पूरे विश्व का इतिहास निकाल के देख लीजिए आप, ये हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है। बगल में पाकिस्तान था बंटवारे के समय, 18% थे, आज 0% है। ठीक है, सवाल बगल में बांग्लादेश था, 22% था, बांग्लादेश से पहले ना एक है तो सेफ है आपको याद था, ना बटेंगे तो कटेंगे आपको याद था। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद ये सारे नारे या सारे बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, हिंदू वोटर्स के बिखरने का डर है क्या? आर यू फिट एसिन जी, एक मिनट भाई, हिंदू वोटर्स की आप क्यों बात कर रही है? इसी लोकसभा चुनाव में 7-8% मुसलमानों का ही वोट बीजेपी को मिला। हम कह रहे हैं कि देश एक रहना चाहिए, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। छोटा जवाब दीजिएगा, ये काटने वाले यही लोग हैं, ये तहसीन के पार्टी के समर्थक वाले जितने लोग हैं, इन्होंने एक बार नहीं कटवाया है, दर्ज मतलब 100 से ऊपर कटवा चुके हैं ये देश को। बोलिए तहसीन जी जल्दी, फिर आ रही हूं मैं। साजिद जी, अजय आलोक की हर बात को मैंने कबूल किया, चलिए कबूल कबूल कबूल। अब आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए मेरे भाई, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो 11 साल से इस देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री कौन है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है? या तो भारतीय आ रहे मुंबई के अंदर, आप कह दीजिए इलीगल है, या तो कोई भारतीय आ रहा। अब घर से आ रहे कौन व्यक्ति है जो देश को संभाल नहीं कर रहा है, अपने आप को चौकीदार बना के चौकीदार का काम नहीं कर पा रहा, उसको आदमी कर्जी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। डेमोग्राफिक चेंज, पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे, बांग्लादेश का उदाहरण दे, जो व्यक्ति हमारे मुल्क में बैठा हुआ है और अगर वो नहीं संभाल सकते देश को, अगर बॉर्डर पार लोग आ रहे तो छोड़ दे देश को, या प्राची जी को इंटरव्यू दे, देश की आवाम से माफी मांगे, छोड़ दे। कितने मना किया डेमोग्राफिक चेंज की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी देना जिम्मेदारी, आपके नेता तो सिर्फ मुख्यमंत्री के कपड़ों पर बयान दे रहे हैं, आपके नेता मुख्यमंत्री के कपड़ों पर बयान दे रहे हैं, डेमोग्राफी पर आप भी बात करते हैं और पूछते प्रधानमंत्री से कि भाई क्यों हो गया 11 साल में, या क्यों हो गया 10 साल में? चलिए ठीक, तहसीन जी जरा जोर से सुनाइए, कांग्रेस वाले शायद आपकी बात सुन ले। आलोक जी बस एक मिनट रुक जाइए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चर्चा में इंक्लूड कर लूं फिर आपके पास आऊंगी। दानिश कुरैशी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तहसीन पूनावाला जी ने उठाया और वो सवाल का जवाब मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ। 16 सीटों पर शायद आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अगर गलत हूं तो सर करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, 16 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 16 सीटें लेकर संभाजीनगर का नाम बदलने का दम आप लोग कैसे भर रहे हैं? ये कैसे करिएगा, कैसे चमत्कार करके दिखाइएगा? देखिए मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं के तहसीन ने सबसे पहली बात जो आखिर में बोली है, मैं उसका रिपीट कर दूं, जो कि ऑलरेडी हिडन एजेंडा तो कांग्रेस भाजपा का एक ही है, लेकिन तहसीन ने यहां कबूल है कबूल है कबूल है, तो मतलब इनका सियासी निकाह तो पहले से फाइनल ही है, आज टीवी पे आपके यहां शो में भी क्लियर हो गया, अगर भूल गए हो तो वापस रिमाइंड कर दीजिएगा। अब रह गई बात, आपने बात कही संभाजी नगर की, देखिए आपको मैं एक बात कहूं, संभाजी नगर में जो भी चुनाव जीत के आएगा वो जनमत जो है एक तरीके से मैसेज है, और अपनी बात जाके विधानसभा में रखेगा। हम तो वक्फ बोर्ड में देख रहे हैं ना कि बैसाखियों पे बैठी हुई है केंद्र की सरकार, वक्फ के मामले में एक तरफ चंद्र बाबू हैं, दूसरी तरफ नीतीश बाबू हैं, उसके अंदर में तो हम लोगों को इंटरनली, तो आप तो पत्रकार हैं आपको पता होगा ही कि क्या परिस्थिति है। संभाजीनगर की बात भी, अबर जो महाराष्ट्र के परिस्थितियां जिस तरीके की बन रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है तो बहुत दूरंदेशी तक की वो सोचते हैं। दूसरे नंबर का सवाल तहसीन भाई से मेरा ये है, अभी तक मेरी सियासी समझ है, अभी तक नंबर्स के हिसाब से कोई भी फैसला आप कर सकते हैं? 16 नंबर अगर मैं कह रही हूँ, 16 आउट ऑफ 16 भी अगर आपने पा लिए तो कैसे हासिल करिएगा अपनी इस ख्वाहिश को? कोई तो फॉर्मूला, कोई तो मैजिक, कोई तो जादू की जड़ी होगी आपके पास। अरे मैं आपसे मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, तो बैसाखियों पर बैठी केंद्र की मोदी सरकार
दो बैसाखियां आपको पता है, एक तरफ नीतीश बाबू हैं, दूसरी तरफ चंद्रा बाबू हैं। आपको परिस्थितियां नहीं पता कि वक्फ बोर्ड में अगर ये सिचुएशन नहीं बनती क्या जेपीसी बनता था? ये तो पहले ही कर चुके होते सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रा बाबू के मामले को लेकर, नीतीश बाबू के मामले को लेकर आपसे आपकी बात समझ रही थी। अगर बीजेपी से ही आपको सीखना है इनकी बैसाखियों, इनके बैसाखियों के सहारे ही आपको चलना है, तो क्या गलत कह रहे थे सिंह पूनावाला जी फिर, कि आप लोग मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जी? नहीं, हम नहीं बनेंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ प्राची, प्राची मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ प्राची, बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तहसीन भाई ने एक बात कही कि ये बी टीम है, वो सी टीम है, ये वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक आध दो स्टेट में भी, शायद इससे ज्यादा ही है, एक आध दो स्टेट में भी कांग्रेस की सत्ता है। जिन राज्यों में उनकी सत्ता है, इतना सारा राहुल गांधी से लेकर खड़गे जी तक तमाम लोग आरएसएस को सुबह से लेकर शाम तक गरियाते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका है नहीं, अपने स्टेट में कम से कम उनका बेसिक इंफॉर्मेशन डेटा तो रखिए, तो वहां तो शाखाओं में इजाफा हो रहा है और फिर नेशनल चैनल पर आपकी नजर है। ये पूरे शो में मुझे बता के जाइएगा, आप किसकी बैसाखी बनने जा रहे हैं ये मुझे पूरे शो में बताइएगा। एक बहुत छोटी टिप्पणी करिएगा इस पर अजय आलोक जी, क्योंकि दो और मेहमान है बहुत देर से साजिद जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, बैसाखियों पर नजर है दानिश कुरैशी जी की, और कह रहे हैं जैसे आप लेकर आ गए वक्फ बोर्ड वाला बिल, हम भी संभाजीनगर के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। देखिए दानिश भाई से तो वक्त बोला नहीं जा रहा, वकफ वकफ कर रहे हैं, तो आप इनको वैल्यू क्यों देती है मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी क्यों वैल्यू देती है? हम लोग तो डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं। जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो इनको हम जगह दिखाते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने जगह दिखाई कि ओवैसी किसी का बाप बिया के संभाजी का नगर का नाम नहीं बदल सकता है। देवेंद्र जी ने जगह दिखाई उनको, वैल्यू तो इनको दे दे के महाविकास अघाड़ी वैल्यू देती है, बाकी लोग वैल्यू देती है, इनकी क्या हस्ती है? इनके बारे में बात ही करना बेकार है। मैं तो ये कह रहा हूं इन लोग सबका माथा खराब हो गया। प्राची जी, आज उद्धव ठाकरे कैंपेन करते करते कहने लगे कि प्रधानमंत्री जी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारा प्रचार भी करना चाहिए। अब बताइए क्या करें, प्रधानमंत्री जाके महाविकास अघाड़ी का प्रचार करें? ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, तो ये मेंटल सिकनेस हो गई है भाई। बोलिए साजिद जी, मेंटल सिकनेस हो गई है। आप क्यों वैल्यू करते हैं? जैसे चुनाव हारेंगे और मेंटल सिकनेस बढ़ती चली जाएगी। आप क्यों वैल्यू करते हैं एआईएमआईएम की? अगर आपको लग रहा है बटेंगे तो कटेंगे का कोई मैजिक नहीं है, तो आपके नेता क्यों देते हैं ऐसे बयान? सवाल तो सुन लीजिए साजिद जी का, बटेंगे कटेंगे अगर इतना सिंपल नारा है उससे कुछ नहीं होगा। साजिद जी सवाल पहले सवाल सुनते हैं सर, फिर जवाब देते हैं। मुझे बोलने तो दीजिए सर, बिना सवाल के बोल देंगे सबका डिबेट करने आए। सवाल तो सुन लीजिए एक बार। मैं तो पहले अजय जी का जवाब देना चाहता हूँ। अरे सर, तो पहले मेरा सवाल होगा, उसके बाद आप जो मन चाहिएगा बोलिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर दे रही है भारतीय जनता पार्टी नारा और आपको लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो काहे इसके इर्द गिर्द आप लोगों की कहानी बुनी जाती है? मैं उसी का जवाब देने ही जा रहा था, मैंने यह सवाल सुन लिया था पहले ही। पहली बात तो है प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए यहाँ पर, अजय आलोक जी का तो मैं एक ही जवाब और आपकी बात का एक जवाब देना चाहता हूँ कि बीजेपी का ये हाल है। अब ये नया नारा जो निकला है ना, बटेंगे तो कटेंगे, बटो मत, ये इनका ये हाल है कि ना खुदाई मिली, ना ईसाले सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुस्लिम वोटों से तो हाथ धो ही बैठे थे मंगलसूत्र का बोल के, फिर मुस्लिम अपीसमेंट करने गए, इमामों की फीस बढ़ाने को गए। एक मिनट बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है आलोक जी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात कि हिंदू वोट्स भी जाने लगे हाथ से, तो अब तो ये हाल है ना कि बैसाखी तो दो मिली थी, एक इनविजिबल बैसाखी जैसे मेरे दोस्त तहसीन पूनावाला ने कहा, पता है वो एक जादू होता है जादूगर, वो पीछे ऐसा लगता है कि वो बैठा हुआ नहीं है, वो हवा में लटक रहा है, लेकिन वो पीछे एक बैसाखी रहती है, पीछे इनविजिबल, ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ रहता है। वैसे बैसाखी और भी बी टीम सी टीम बहुत सारी बना चुके हैं, वोट काटो वोट बांटो, ये वो काटने वाले की बात नहीं कर रहे, बोल रहे वोट को काटो, कटने वाली कोई बात बची ही नहीं है। कैसे पता चला यहाँ पर अभी नया नारा जो है? मुझे एक बार समझा दीजिए साजिद जी, भारतीय जनता पार्टी अगर बटेंगे तो कटेंगे कह रही है या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कह रही है, इस बात में आपत्ति क्या है? हमने तो सुना है ना बचपन से, एकता में अनेकता, एकता में बल, कहानियां आपने भी सुनी होंगी, कविताएं हमने भी सुनी होंगी। हम तो हमेशा से ही कह रहे आ रहे हैं कि जाति धर्म
के नाम पर लोगों को ना बांटे, मिलकर रहे हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, बीजेपी को थोड़ी पार करो, आने दो नई कहानी। ये 11 साल में अभी तक सेफ नहीं कर पाए अपने आप को, डरा रहे हैं, राजीव जी बड़ी बात बोल रहे हैं आप, यही आरोप शिंदे साहब आप पर लगाते हैं कि कल की विरासत को छोड़कर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ गए। तुमने क्या किया राजीव जी, इतनी बड़ी बात मत कहिए, कल की बात, कल को आप छोड़ने को कह रहे हैं, शिंदे साहब यही तो कहते हैं कि कल की विरासत को छोड़कर, बाला साहब ठाकरे की विरासत को छोड़कर उद्धव ठाकरे बहुत आगे निकल गए। अब विधानसभा में भी हम प्राची जी दिखाएंगे इनको, इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार करके ही रहेंगे। पार्टी का नुकसान हो रहा है, हम लोग इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार करके ही रहेंगे। व्यास जी इस बात का जवाब दे देंगे आपको। व्यास जी, आर यू दानिश कुरैशी जी फिर आपके पास। व्यास जी, साजिद जी कह रहे हैं, हालांकि साजिद जी और साजिद जी के नेता के बयान तो आप ही लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो कह रहे हैं इस बार जनता बताएगी। भाई जनता ने सब कुछ तय कर लिया है, वो जो आग दिलों में जली हुई है, जिस बदले की बात ये कहते हैं, बटेंगे कटेंगे कह लीजिए, चाहे एक है तो सेफ कह लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, बांटने वालों को जनता छोड़ेगी नहीं। प्राची जी, कौन क्या कह रहा है वो उस पर हम नहीं जा रहे। मैं अपनी बात कहूं, उसके पहले जो चर्चा चल रही थी संभाजी नगर के नाम को लेके, तो थोड़ा सा इतिहास 2-2.5 साल पहले का समझ लें कि किसकी सरकार थी जिसने अपने अंतिम दिन ये सलाह दी अपने कैबिनेट मीटिंग में कि औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया जाए। ये हमने आने के बाद उसको विधिवत किया, लेकिन किसकी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, दूसरों को सिखा रहे थे, आप खुद बीच में बोल रहे हैं। तो दूसरी चीज ये है कि रही ओवैसी जी की बात, तो जिस संभाजी नगर के मैदान में खड़े होकर के ओवैसी बोल रहे थे, उनका महाराष्ट्र में एकमात्र सांसद था इम्तियाज जलील, वो वहीं से परास्त हुआ है जून के अंदर, और वहां से शिंदे सेना के संदीपन आप भूमरे साथ बड़े हजारों मतों से जीत के आए हैं। ये है जनता का जवाब, ये है जनता का वहां के रिस्पॉन्स। अब रही बात, आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए जो हम उस विद्यार्थी की तरह है जो अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करता है, पढ़ता है, लिखता है और एक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में अपीयर होता है, तो पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की जिस तरह से हमने सेवा की है, विकास के कार्य किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कल्याणकारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, इतना काम किया है। एक सवाल मेरा है व्यास जी, जब इतना काम किया है तो फिर किस बात से बटने का डर या किस बात से छिटकने का डर, एक है तो सेफ है की बात फिर क्यों क्यों बढ़ जाएंगे फिर लोग, तो आपके साथ रहेंगे ना? प्राची जी, हमें कोई वो डर है ही नहीं, हम कोई भय है नहीं, आत्मविश्वास है कि 23 तारीख को प्रचंड बहुमत से वर्तमान सरकार पुनः लौट रही है। लेकिन जो आप बटने कटने पे जो सांप्रदायिकता हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, बचपन से आपको भी सिखाया गया हमको भी सिखाया गया, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये नारा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ये हम अपने टी शर्ट पे लिखते हैं कि नहीं लिखते? अगर उसी चीज को योगी जी हिंदी में कह दे, मोदी जी सेफ है, एक है तो यूनाइटेड रहने की बात करिए ना, फिर ये क्यों कहते हैं कि आपके घर में घुसकर आपके संत लेकर चले जाएंगे? कौन लेकर चला जाएगा इस देश में, या इस देश में ऐसी कैसा माहौल हो गया राजनीतिक के घरों में घुसकर हमारा सामान उठा कर ले जाएंगे? गजब, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा साजिद जी, दानिश जी बोलना चाह रहे। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि सिंपल बात है, कटेंगे तो बटेंगे, ये सब नारा क्यों डरा रहे हो लोगों को यार? बहुत प्यार से हम हिंदुस्तानी एक दूसरे के साथ हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें आई, बड़ी बड़ी तकलीफों को झेला है, आगे भी झेल रहे हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता ही रही है गंगा जमुना सभ्यता, और हमेशा से साथ रहते हुए आए। लोगों ने बहुत बांटने की कोशिश की, काटने की तो बहुत दूर की बात है, बांटने की कोशिश की, अब बटे ही नहीं तो कटने का तो बहुत दूर तक सवाल नहीं है। आप भी तो बटने की राजनीति कर रहे हैं डिवाइडेड जी, आपके नेता, तो इसको आपके नेता जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नया नारा दे रहे हो, अपने पर्सनल बदले के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बताइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कोई जनता तो जवाब दे चुकी है इनको लोकसभा में, अभी बेहतरीन तरीके से महाराष्ट्र जवाब देगा, ऐसा तड़ी पार होंगे कि इस दोबारा महाराष्ट्र में वापस घूम के नहीं आएंगे। इनको बीजेपी को सर उठाने का मौका ही मिला बाला साहब ठाकरे की वजह से, वरना बीजेपी को जानता कौन था महाराष्ट्र में? ठीक है सर, बाला साहब ठाकरे को लेकर कह रहे हैं अजय आलोक जी कि आपको सहारा मिला शिवसेना का, और उसी शिवसेना को आपने तोड़कर बांटा, तो आपने दरअसल बांटने की राजनीति महाराष्ट्र में आपने शुरू की, और आप ही लोगों को डर दिखा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हम तो नहीं कह रहे हैं ना प्राची जी, हम तो नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी आके बीजेपी का प्रचार करें, ये क्यों कह रहे हैं सुनिए, तुम्ही इथे महाविकास आघाडीचा प्रचार सुद्धा आलं पाहिजे, कारण तुम्ही भाजपचे पंतप्रधान नाहीत,
तुम्ही देशाचे पंतप्रधान आहात, ही उद्धव ठाकरे की आवाज आहे. तुम्हाला देश के पंतप्रधान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके पत्र आप मानते हो क्या कि वो देश के पत्रकार इनके बातों का जवाब दूं या बीजेपी के हैं? ये तो बताइए. अपने नेतृत्व में अपनी पार्टी में बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं. मैंने सुना दिया, दिखा दिया, आज ही का बयान है. तो जिस व्यक्ति को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, अपनी कमांड लीडरशिप में भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी में भरोसा नहीं है, उनसे मैं क्या डिबेट करूं और उनसे महाराष्ट्र की जनता क्या उम्मीद करेगी? बाला साहब के विचारों को तिलांजलि दे दी, चिता पे भी नहीं लिटाया, कब्र में गाड़ दिया बाला साहब के विचारों को. पूरा महाराष्ट्र देख रहा है. और जो ये कहते हैं हिंदू कैसे बटेगा कटेगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. हरियाणा में मेवात की जगह है जहां कांग्रेस के मुस्लिम विधायक चुन के आए 1,00,000 मतों से, और रिजल्ट आने के 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि 8 तारीख की सरकार बनते ही, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था, 8 तारीख को सरकार बनते ही तमाम हिंदुओं से बदला लिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा. आप क्या बात कर रही हैं? जहां पे मंग मौका लगेगा इन लोगों का, इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, ये घर में घुस जाएंगे. आपका क्यों सुनाई देता है? बिल्कुल, ये घर में घुस जाएंगे. धर्मों की बात भी करिए ना, ये घर में घुस जाएंगे. ये दंगाई है. और एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग दंगाई हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण जब भी मिला है, ये लोगों ने दंगा ही फैलाया. महाराष्ट्र के सियासी रण में सबसे ज्यादा बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मतलब क्या है? अब तहसीन पूनावाला जी, सवाल ये है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो कम से कम समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, टीका टिप्पणी तो नहीं करते कम से कम किसी पर? जो संविधान की दुहाई राहुल गांधी देते हैं, कम से कम उस संविधान के खिलाफ जाकर तो नहीं खड़े होते? मैं समझा नहीं, संविधान के खिलाफ कांग्रेस कैसी खड़ी हो रही है? अगर कांग्रेस कह रही है कास्ट सेंसस करो तो संविधान के खिलाफ कैसे? जम्मू कश्मीर का परफेक्ट एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी देती है अभी 370. थैंक यू. मैं इसी पर आना चाहता हूँ. अब आप सोचिए, बैंक्रप्सी सोचिए इस आइडिया की. और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भाजपा की सारी टॉप लीडरशिप कहती है अगर महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार जीत गई, उद्धव जी, नाना पटोली जी, शरद पवार जी की सरकार बनती है, तो 370 को कश्मीर में इफेक्ट होगा. प्राची जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली भी 370 नहीं बनती, इसका क्या लेना देना है महाराष्ट्र में? कोई मतलब है? अब वो बीजेपी की लीडरशिप दिल्ली से आके इस तरह की बातें करती है महाराष्ट्र में, क्यों? क्योंकि हर एक रुपया जो हम महाराष्ट्र के लोग देते देश को, हमें 7 पैसा मिलता है, 7 पैसा. ये इस पर बातचीत नहीं करना चाहते, ये कास्ट सेंसस पर बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए जम्मू कश्मीर में 370 हट जाएगा. कांग्रेस तो एक ही है ना, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस हो, चाहे महाराष्ट्र की कांग्रेस हो, चाहे पूरे देश की कांग्रेस हो, वो कांग्रेस जो 370 पर वहां खामोश होकर समर्थन दे देती है, उस कांग्रेस से महाराष्ट्र में सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? कोई समर्थन नहीं दिया असेंबली में, कांग्रेस ने वोट नहीं किया उस रेजोल्यूशन, विरोध किया क्या? दूसरी बात, नहीं वोट नहीं किया, वॉकआउट किया प्रोटेस्ट में. दूसरी बात, अजय भाई, अजय भाई 30 सेकंड. दूसरी बात, 370 असेंबली भी नहीं बदल सकता, सिर्फ केंद्र की सरकार बदल सकती है. हम इन चीजों में जाते हैं. जो 370 का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, वो महाराष्ट्र के मुद्दे. अच्छा, फिर एक सवाल मेरा तहसीन जी, एक सवाल, 370 नहीं बदल सकती महाराष्ट्र की असेंबली, तो क्या संविधान को बदला जा सकता है महाराष्ट्र की असेंबली के द्वारा? क्या आप महाराष्ट्र में भी घूम घूम के बता रहे हैं कि संविधान बदल देंगे अगर ये आ गए तो? ये अधिकार है क्या महाराष्ट्र असेंबली के पास? नहीं, महाराष्ट्र असेंबली में नहीं, लेकिन बीजेपी को अगर राज्यसभा में बहुमत मिलती है तो वो संविधान को बदल सकती है. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे 1 सेकंड 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करता हूँ. जैसे 15 फाइनेंस कमीशन से महाराष्ट्र का नुकसान हुआ, हर 1 रुपए में 7 पैसा मिलता है महाराष्ट्र को. जैसे जैसे मराठी मानुस पे अटैक हो रहा है, जैसे मराठी मानुस को उसका अधिकार नहीं मिला, जितने प्रोजेक्ट है, अटैक का मतलब है जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र के वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं, ये अटैक हो रहा है, इसलिए बदलाव जा सकता है, इसलिए इनको राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम ये बात करें. अच्छा ठीक है, अजय जी, इस पर एक छोटा जवाब, फिर मैं दानिश जी आपके पास फौरन आ रही हूं. एक सवाल अजय जी से, अगर कांग्रेस के विधायक हिंदू मुसलमान की बात हरियाणा में करते तो क्या अरेस्ट नहीं करते? झूठ कांग्रेसी कैसे बोल लेते हैं भाई, इतना सफेद झूठ कांग्रेसी कैसे बोल लेते हैं? पूरे देश ने देखा कि उमर अब्दुल्ला वाली कांग्रेस की सरकार, जिसमें उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस उसमें पार्ट हिस्सा है, गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा था, ये असेंबली में 370 हटाने का प्रस्ताव लेके आए थे, हमारे विधायकों ने अपोज किया, हाथामुक्की तक हुई, और उसके बाद ध्वनि मत से स्पीकर ने पारित कर दिया. 370 हटेगा तो क्या यह दलितों को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? ये चाहते हैं दलितों को आरक्षण चीज लड़ा, उसके बाद झूठ फूट का संविधान 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 करते रहते हैं. और ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में क्यों नहीं बोली जाएगी कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी मंशा क्या है? राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलेंगे कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे समय आने पर, तो ये बताया नहीं जाएगा लोगों को? और उसके बाद आप ड्रामा करेंगे लाल किताब की संविधान दिखा के,
आप लाल सलाम का मैसेज देना चाहते हैं, सच्चाई है। आप नक्सल को, अर्बन नक्सलों को और सारे नक्सलों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपकी सोच मंशा डिवाइड करने की है। जब आप जातियों की बात करते हैं, जब आप धर्म की बात करते हैं, आपकी सोच है इस देश को डिवाइड करने की। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गलत नहीं कहा कि आपकी मंशा समझने की जरूरत है कि कितनी जहरीली मंशा। लेकिन अजय आलोक जी, जातियों की बात तो आपके नेताओं ने भी की है, ऐसा तो नहीं है कि आपके नेताओं ने जातियों की बात नहीं की। मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग बताया करते थे ना प्रधानमंत्री की जाति, आपके मुख्यमंत्रियों की जाति बताया करते थे कि नहीं, तो वो बांटना नहीं था क्या? एक मिनट है जी। बिल्कुल बताए, नहीं नहीं बिल्कुल बताया करते थे, बिल्कुल बताया करते थे, क्योंकि हम एम्पावरमेंट के हिसाब से बताते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा पिछड़ा प्रधानमंत्री है तो ये देश के पिछड़ों को एक शक्ति देता है कि हम भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर हम बताते हैं कि शेड्यूल ट्राइब हमारी मुख्य राष्ट्रपति हैं तो इस देश के ट्राइबल्स में, इस देश के आदिवासियों में एक चेतना का लहर जागती है। हम बांटने के लिए नहीं बांट रहे, हम ओबीसी में जातियों पर बात नहीं कर रहे, जैसे झारखंड में अभी एनडीए वाले से करना शुरू कर दिए, झारखंड में कुर्मी या यादव करना शुरू कर दिए, ये काम नहीं कर। बाकी मेहमान भी है ना, और दानिश जी बहुत देर से भी कुछ बोलना चाह रहे हो। दानिश जी से मेरा भी एक प्रश्न है। दानिश जी, जब ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, जिस पर आपके दोनों नेता बोले, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले, उसमें आप अपने आप को अलग क्यों कर लेते हैं? आपको पहले से ऐसा क्यों लग जाता है कि इसमें हम अलग हैं? क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँ, हमने अपने आप को अलग नहीं किया। इस देश की राजनीति की बात की जाए तो इस देश में आज़ादी के बाद से मुसलसन, मैं बार बार कहता रहा हूँ और मैं फिर कहूँगा कि मुसलसन सन 47 से लेके अब तक मुसलमानों का पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया। जो अभी तलाक तलाक की जगह निकाह निकाह जो हो रहा था ना, तो ये निकाह जो राजनीतिक निकाह इन्होंने कांग्रेस ने और भाजपा ने कर रखा है और उनके जो अलायंस है इन्होंने कर रखा है। एक मित्र, शायद मैं फेस नहीं देख पा रहा उनका, वो ये कह रहे थे कि एकमात्र वो थे इम्तियाज जलील एमपी, वो भी अब नहीं रहे। तो आप देखिए, अगर दरअसल उनकी परेशानी ये है कि वो जाके तारीख नहीं पढ़ते। आजादी के पहले इतने सारे नेता थे, वो तमाम जाके मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन गए थे वो तमाम लोग। या अभी अगर मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी जिस जमाने में राजनीति कर रहे थे तब वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं थे। सवाल ये है कि किसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो आपके सामने है। रह गई बात चुनाव में हार और जीत की अपनी जगह है, अगर एक कैंडिडेट था या एक कैंडिडेट नहीं है उससे आपकी राजनीति पे क्या असर होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लेकिन साफ गोई से आपने नंबर गेम में आप पर जो हमला हुआ, आपने आजादी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर ना जाने कहां कहां की बात गिना दी। आप मुझे बताइए, आप मुसलमानों के तो खुलकर कहा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कि मैं, हाँ मैं मुसलमान हूं और मैं मुसलमान की बात कह रहा हूं क्योंकि मैं ही मुसलमान के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं। ठीक है दानिश कुरैशी जी, कैसे करिएगा? गलत, उन्होंने ऐसा, सुनिए सुनिए प्राची जी, सुनिए 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 आर्य साजी जी सुनिए ना। दरअसल दिक्कत क्या है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जैसे ही बात आती है ना वैसे ही तमाम लोग काम पे लग जाते हैं, और सत्ताधारी तो अपनी जो करते हैं वो तो करते ही हैं, या विपक्ष भी जो है ना। मुझे ये बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मराठा विकास बोर्ड के लिए जो 50,000 करोड़ की मांग की बात कही, क्या किसी ने रिपीट की? पूछिए तो किसी ने भी रिपीट की? अच्छा चलिए, मराठा वाली बात पर सवाल पूछने से शायद 1984 आपके नेता बयान देने से परहेज नहीं करते, लेकिन आप जब प्रवक्ता आते हैं तो ना जाने क्यों बयानों से बात करते हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, चलिए मराठा वाली बात कर लेते हैं, आप मराठा हितैषी, चलिए मैं ये बात भी मान लेती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ मांग उठा देने भर से क्या आपका काम पूरा हो जाएगा? कुछ तो रिप्रेजेंटेशन चाहिएगी ना अपनी बात रखने के लिए, अजय आलोक जी के सामने या तहसीन पूनावाला जी के सामने या किसी भी सरकार के सामने। बिल्कुल चाहिए, नहीं पैसिन पुलावाले के सामने क्यों रखेंगे? हम मांग तो रखेंगे जो वर्तमान सरकार होगी, राज्य में होगी उससे, केंद्र में होगी उससे, हम जो मांग करेंगे सरकार के जो जो लोग हैं उनसे मांग रखेंगे, उनसे मांग रखी जाएगी। और नंबर ऑफ टाइम इम्तियाज अली साहब ने बात की है, अगर आपको चाहिएगा तो सुनिए सुनिए सॉरी आपने मान लिया महाराष्ट्र में किसकी सरकार आ रही है, गलत नहीं कह रहे तहसीन जी? नहीं, महाराष्ट्र में सरकार आ रही की बात नहीं है, पहले जो अब तक रिप्रेजेंटेशन हुआ वो तो जो सरकार थी उससे ही मांग करेंगे ना, अब से जो पहले की बात कर रहा हूं। अभी कहां सरकार आ गई तो मांग कर रहे हैं। मैं कह रही हूं अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं और अभी भी नहीं है इनकी तो जी, अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं अभी तो कुछ है नहीं ना महाराष्ट्र में, अब तो नई सरकार बनेगी ना, नई सरकार के सामने अपनी बात रखिएगा ना। नंबर्स की बात कर रही थी मैं तो, कि भाई नंबर्स होंगे तभी तो बात रखेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना रख देंगे। खैर तहसीन जी, फिर आ रही हूँ साजिद जी आपके पास। हाँ बिल्कुल, दानिश कुरैशी जी ने कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, एक तो नंबर से ना तोला करें उनको, उनके वोट शेयर से ना तोला करें उनको, उनके मुद्दों से तोला करें।
हाँ इनके मुद्दे तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर की तो से तोड़ना ही नहीं चाहिए कोई नीचे नहीं। कभी देश के प्रधानमंत्री थे महात्मा गांधी जी? एक सेकंड सर, अभी मैं पूछ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ये क्या ओवैसी बंधुओं को महात्मा गांधी से इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं? मतलब एक होता है कि एक हद तक एक शो में कुछ हमें एग्जैजरेट करना, क्योंकि टीवी शो है। क्यों ना करें, क्यों ना करें, क्यों ना करें, तो क्या राहुल गांधी से करेंगे? नहीं, क्या राहुल गांधी से करेंगे? मतलब आप सरनेम लगा के घूमेंगे तो चल जाएगा और ओवैसी साहब नहीं करेंगे? नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं हुई। 15 मिनट पुलिस हटा दो, 15 मिनट पुलिस हटा दो, तब तू थोड़ी संख्या के बारे में सोचे थे। और अकबरुद्दीन ओवैसी छोटा हुआ, अरे बिना 15 मिनट के 10,000 से ज्यादा दंगे कांग्रेस ने कराए 1984 में, बिना पुलिस हटाए दिल्ली के अंदर में जो दंगे हुए, आप नहीं बात करेंगे उनसे? क्या कांग्रेस के नेता नहीं थे उनके में? किसको किसको बचाया गया हमको नहीं पता क्या? तहसीन भाई मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, जो जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने। अभी मेरे एक दोस्त साजिद को भी बोलना है, अजय को भाई को बोल, सुन लीजिए, ये क्या ओवैसी साहब की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हो? ना हर शो में एक हद होते हैं बोलने की, ये तो अलग ही टैंजेंट पे चले गए। बराबर है, ये पुलिस के डायरेक्शन पे, अरे मेरे की सरकारें थी वो। अच्छा रुक जाइए सर, दानिश कुरैशी जी और तहसीन पूनावाला जी, समय जा रहा है, मेरे दो और मेहमान हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है। दानिश कुरैशी जी और तहसीन पूनावाला जी, अब अच्छा थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन दानिश कुरैशी जी, इतनी इतनी समझ तो आप में भी है, आपके नेताओं में भी है, किसी भी अपने देश के महापुरुष से कंपैरिजन कर देना किसी भी नेता का, ये आपको अच्छा लगता होगा या आपको तालियां मिलती होंगी इस बात से, लेकिन दर्शक इस बात को पसंद करेगा या नहीं समझना होगा दानिश जी आपको। मैं आ रही हूँ, साजिद जी बोलिए, बोलिए सर, बोलिए साजिद जी, बोलिए साजिद जी। इट इज अ रियली डिसगस्टिंग थिंग, दानिश आप जरा मुझे बोले दीजिए, बोलिए। सबसे डिसगस्टिंग जो बात कही है, सबसे पहला मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। एक तो मैं सभी को यह जवाब देना चाहता हूँ कि हमने जो कहा के श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र ने उसी हिंदुत्व को फॉलो किया, आज हमें ना हिंदुओं को बीजेपी रहबर है, ना मुसलमानों का रहबर ओवैसी है, ना हम ना मुसलमानों को MIM की जरूरत है एज अ रहबर, और ना ही हिंदुओं को बीजेपी RSS की जरूरत है। हम सब अपना अच्छा बुरा समझते हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, और हम सही लोगों को चुनेंगे। हम लोगों, आप लोग कोई जिम्मेदार नहीं हो, आप लोग कोई ठेकेदार नहीं हो, धर्म के जरूरत नहीं है हमें, हमको पता है हमारा हक कैसे लेना है, हमको पता है इस देश में कैसे जीना है, ना ओवैसी की जरूरत है, ना हमको बीजेपी की जरूरत है। ओवैसी साहब को और अजय आलू जी को थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, एक मिनट सुपर देखिए, करते हो सुनिए ना, सुनिए सर, बिल्कुल गलत बात है जी, आप सुनते नहीं है ना, आपने सोच लिया जवाब क्या है, फिर आपको वही जवाब देना, एक बार सुनिए, हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए दानिश कुरैशी जी को और अजय आलोक जी को, नहीं है चलिए ठेकेदार, मान लिया हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है, आप उनके हितों का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल रख रहे हैं और रखेंगे, जरूर। जब कोई रखेंगे, सनातन को, जब कोई सनातन को अपशब्द कहता है तब खामोश रह जाते हैं साजिद जी, तब खामोश रह जाते हैं, तब क्यों नहीं ठेकेदार बन के आगे आते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं आके की गलत है? इसी बात का जवाब मैं इसी बात का जवाब देने जा रहा हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी, प्रोग्रेस के नाम पे होगी। महाराष्ट्र से जो नौकरियां, यूथ की नौकरियां चले गई है, नौकरी के नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे, हम हक दिलाएंगे, जो हमारे युवा है उनको उनका हक मिलेगा, जो हमारे यहाँ से बिजनेस गुजरात भेजा जा रहा है उसको रोका जाएगा, तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट आने दीजिए, जितना बिजनेस महाराष्ट्र से बाहर गया है हम सब महाराष्ट्र में वापस लेकर आएंगे। बीजेपी को समझाने से पहले अपने नेताओं को भी समझाइए कि कम से कम सनातन पर तो कुछ ना बोलें, कम से कम राम मंदिर के कार्यक्रम के बारे में तो कुछ ना बोलें, उनको समझा दीजिए एक बार, प्रसाद अजय आलोक जी को भी आप समझा लेंगे, एक छोटा जवाब दे दीजिए व्यास जी, आप भी देखिए, एक छोटा सा जवाब देता हूँ, देखिए कटेगे बटेगे वाला जो शब्द इस्तेमाल किया गया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उससे भड़काऊ वाले भाषण दिए गए हैं, ये क्या बोलेंगे? और मैं आज आपको एक घोषणा कर देता हूँ, 23 नवंबर को हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर काम करते हुए व्यास जी वो कह रहे हैं कि हिंदू का ठेकेदार या मुसलमान का ठेकेदार कोई नहीं बन सकता है, आप जरूरत नहीं है, साजिद जी कह रहे हैं आप लोगों की इस समाज को,
नहीं, हमने कभी नहीं कहा हम किसी धर्म के ठेकेदार हैं। हम तो जनता के सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं। उसी आधार पे जन कल्याण की योजना, विकास का कार्य, यही हमारी पूंजी है। इसी पे हम मत मांगने जा रहे हैं। हम कोई धर्म के आधार पे जाए भी नहीं रहे हैं जनता। और 23 तारीख को हमको विश्वास मिलेगा। मैं एक बात कहना चाह रहा था प्राची जी, काफी देर से भाई तहसीन जी ने एक बात कही कि राज्यसभा में बहुमत आते ही भाजपा शायद संविधान के बदलाव करने की बात करे, वो करे। मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कृपा करके एक जजमेंट पढ़ ले केशवानंद भारती 1973 फरवरी में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 जजों ने जस्टिस सिकरी के, चीफ जस्टिस सिकरी के नेतृत्व में दिया कि कोई भी देखिए महाराष्ट्र का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, ये आप ही बैठकर बता रहे हैं। संविधान पर है, धर्म युद्ध पर है, एक दूसरे को ललकारने पर है। तो आने वाला वक्त बताएगा, 23 नवंबर को बताएंगे जनता का जनमत क्या है, जनता का फैसला क्या है।